और आप देख रहे हो कि मैं फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ अपनी फरारी यानी अपनी साइकिल के साथ। हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल अभी हमें घर पर और ये तीसरी मंजिल वाला फ्लोर है जिस पर हमें अभी और क्या बोल रहा था मैं कि मैं अभी हूँ तीसरे फ्लोर पर और आज है 30 तारीख और 30 तारीख के दिन क्या है रक्षाबंधन। लेकिन रक्षाबंधन 2 दिन है, आज भी है और कल भी है। और आज है रात के 9 बजे से कल के सुबह 7 बजे तक। और अभी हम खिलखिलाती धूप देख रहे हैं, देखो कितनी तेज़ है। और ये कपड़े नहीं, ये बैग हैं और कपड़े भी हैं जो कि मुझे सुखाने, बैग ही बैग हैं। वैसे मेरे को दिया है जिया ने, जिया को सुखाने के लिए दिया था, मेरे को दे दिया, तो ऐसे सुखाते हैं। हेलो गाइस, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं रोहिणी अपनी दीदी के घर, आज है रक्षाबंधन। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ और आप देख रहे हो कि मैं फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ अपनी फरारी यानी अपनी साइकिल के साथ। तो दोस्तों अभी हम पहुँचने वाले हैं, फ्लाईओवर से हम उतरने वाले हैं, बस ढलान आ चुकी है, अब अपनी साइकिल धीरे धीरे आराम से जाएगी। दीदी के घर पहुंचने के बाद दीदी ने हमको सिमैया खिलाई, ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं और खाने में टेस्टी थी। उसके बाद रोटी और केले की सब्ज़ी खाई हमने, सलाद था और काफ़ी अच्छा लगा हमको, बहुत दिनों बाद। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपने द्वारका सेक्टर 1, अच्छा मंदिर बना के आ रहे हैं। रात के बज गए हैं, टाइम क्या हो गया, रात के 10:20 हो गए हैं पहुँचने वाले। पीरागढ़ी का फ्लाईओवर है जिसको भी हमें पार करना है, लगभग इसको पार करने में 20 मिनट लगेंगे। फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं, मतलब पहुंच चुके हैं अपने द्वारका नगरी में, मतलब द्वारका सेक्टर 1। अभी आने वाला है बस 2 मिनट में पावर हाउस। ये जो रास्ता जाता है ये पावर हाउस होते हुए जाता है और ये बगल में है शौचालय। ठीक है, पहुंच जाएंगे कुछ देर में। और टाइम हो गया है मेरे ख्याल से 10:46 हो गए यार, 10:20 पे मैं वहाँ पे था, तो मतलब कितने मिनट लग गए, 26 मिनट लग गए ज़्यादा, 26 मिनट में यहाँ तक आ गया मैं। फाइनली दोस्तों हम घर पर आ चुके हैं और ये दीदी ने भिजवाया था आलू भुजिया और सोम पापड़ी जो कि सभी लोग खाएंगे और काफ़ी अच्छा लगा मिलके। घर पहुंचने के बाद हमने खाना पीना खाया और खाने में पता है क्या था, शुगर फ्री चावल थे और पनीर और रोटी जिया के हाथों की टेढ़ी मेढ़ी लेकिन काफ़ी टेस्टी थी, मीठी थी। और ये साथ में नमकीन खाई है। उसके बाद हम टीवी देखने लगे। फाइनली हमारा खाना पीना खत्म हो गया, फिनिश हो गया और रात के बज गए हैं, जैसे कि टाइम देख रहे हो और नाटक भी चल रहा है, 1 बज गया और खाना खा लिया। अब जाएंगे सोने के लिए, यहाँ से गए थे तो ज़्यादा ट्रैफिक था, वहाँ से आए तो बड़ा दिक्कत हुई, मतलब वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्या।